अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रेटजीज ऑफ एनिमल फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, जानवर कौन कौन से तरीके यूज करके खुराक हासिल करते हैं, हम लोग वो टॉपिक लेके चल रहे हैं। इससे पिछली वीडियोस में ठीक है हमने पार्ट वन पढ़ा था जिसमें हमने सस्पेंशन फीडर, डिपॉजिट फीडर की बात की थी, इसके अलावा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फीडर पढ़ा था। आज हम लोग इसी पिछली वीडियो का ही पार्ट टू लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है हर्बीवोर और प्रीडेशन, ये दो तरीके और हैं जिससे जानवर जो हेटरोट्रॉफ है वो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी हर्बीवोर। ठीक है जी, हर्बी अगर आप लोग देख सकते हैं तो हमने हर्बीवोरी लिखा है। ठीक है, ये क्या जी, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये टाइप है। ठीक है, हम लोग कैटेगरी की बात करें न्यूट्रिशन के लिहाज से, तो जो हर्बीवोरी है ये एक ऐसी टाइप की फीडिंग है। ठीक है, फीडिंग है किस पे जी, फीडिंग ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। एक जानवर ठीक है जी वो हर्बीवोर न्यूट्रिशन करता है, उसे हम लोग हर्बीवोर कहते हैं। कैसे पता चलता है, अगर वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पे न्यूट्रिशन ले रहा है। अब प्लांट ठीक है समझ आ जाती, प्लांट प्रोडक्ट क्या, तो वो पौधों से हासिल होने वाली चीजें हैं, चाहे वो डायरेक्टली हैं चाहे वो इनडायरेक्टली। ज्यादातर क्योंकि हम लोग ओपनली बात करते हैं, इंसान एनिमल में आ जाता है, हम लोग सिर्फ इंसान के लिए ऐसे नहीं बात करते कि फलों का जूस वगैरह निकाल लिया तो वो आ जाता है। बेसिकली फल और सब्जियां, जो जानवर फल सब्जियां भी खाते हैं ठीक है जी, चाहे वो इंसान है चाहे वो दूसरा जानवर है ठीक है, तो वो भी हर्बीवोर में आता है। तो यहाँ पर जो प्लांट प्रोडक्ट है इससे मुराद फल सब्जियां ठीक है जी ये हैं, और प्लांट से मुराद पत्ते, पौधे का जिस्म और उसकी जड़ें वगैरह आ जाती। तो ऐसी न्यूट्रिशन जो जानदार करते हैं ठीक है जी, ऐसी फीडिंग को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरी। ठीक है जी, अब नॉर्मली दो टाइप के जानवर होते हैं, हर्बीवोर कार्निवोर। हर्बीवोर जो पौधे खाते हैं, कार्निवोर जो गोश्त खाते हैं। तो इन दोनों की टीथ में ठीक है, और भी बॉडी के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन और कुछ एंजाइम की एब्सेंस, कुछ एंजाइम की प्रेजेंस वो होती है, लेकिन हम लोग फिजिकली अगर बात करें तो जो कार्निवोर हर्बीवोर होते हैं इनकी टीथ के अंदर मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है जी, अडेप्टेशन होती है इनके टीथ में। और बीएससी के लिए ऐसे अगर हम लोग बात करें तो एमसीक्यूज आता रहता है कि न्यूट्रिशन के सबसे कॉमन टाइप कौन से, उसमें मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर ठीक है जी, सस्पेंशन, डिपॉजिट। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है फीडिंग की या न्यूट्रिशन की वो है हर्बीवोर या हर्बीवोरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जी जो कार्निवोर होते हैं और हर्बीवोर, इन दोनों के जॉस, इन दोनों के दांतों के अंदर, इन दोनों की टीथ के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशन होती है। कौन कौन सी जी, जो हर्बीवोर होते हैं इनके जो दांत की ऊपर वाली हिस्सा है वो कॉन्स कम होता है और वो फ्लैटेंड है। ठीक है जी, वो क्या जी, फ्लैट है। फ्लैटेंड होने की वजह से, इनके दांत चपटे होने की वजह से इस अडेप्टेशन के लिए जिम्मेदार है। ये अडेप्टेशन क्या जी, फ्लैट होने की वजह से जो हर्बीवोर होते हैं इनके दांत च्विंगिंग और ग्राइंडिंग या ग्रिंडिंग जिस तरह मर्जी आप पढ़ सकते हैं उसमें, कि ये चबाने और रगड़ने के ठीक है जी उसके काम आते हैं, जिससे जो प्लांट होते हैं वो अच्छी तरह छिल जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े आसानी से हो जाते हैं, मिक्सिंग आसानी से हो सकती है। और इनके उल्टा अगर हम लोग बात करें तो कार्निवोर है, उनके जो दांत होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है जी, उनके दांत क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है जी, ये सपोज कर लेते हैं कि ये हर्बीवोर जानदार का दांत है और ये कार्निवोर है, तो हर्बीवोर के दांत बड़े फ्लैट होते हैं ताकि च्युइंगिंग और ग्राइंडिंग कर सके, जबकि जो कार्निवोर होते हैं इनके दांत पॉइंटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका काम गोश्त को चीरना होता है, टियर करना है, फाड़ना है गोश्त को, सात हड्डियों को तोड़ना। ठीक है, तो इसलिए ये दो अडेप्टेशन हमें हर्बीवोर और कार्निवोर में मिलती है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर जो बात करनी है वो हर्बीवोर्स की टाइप। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे सिर्फ चार पढ़ने लगे हैं जो बीएससी के कोर्स में होती हैं, मोलस्कस ठीक है जी, उसके अलावा इंसेक्ट, पॉलीकाइथी, और जो आखिरी होगी आई थिंक वो है इंसेक्ट, बल्कि तीन ही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोलस्क से। ठीक है जी, जो मोलस्कस है ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्नेल ले रहे हैं। ठीक है जी, तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो स्नेल है ठीक है जी, या मोलस्कंस ऐसे जानवर कहते हैं जिनके बॉडी में खाली जगह होती है, जिसे हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो उसके हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो स्नेल होता है ये फीड करता है, ठीक है, ये फीड करता है किन के ऊपर, लीव्स के ऊपर।
पत्तों के ऊपर ये लीव्स खुराक हासिल करता है, फीड करता है किसकी मदद से? इट इज ऑल्सो एमसीक्यूज, ठीक है, ये रडूला की मदद से पत्तों से खुराक हासिल करता है। अब रडूला क्या है? बेसिकली ये एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस तरह हम लोग नहीं पहनते बेल्ट, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों तरफ या कभी कभार एक तरफ काइटन के तीस लगे होते हैं, ठीक है। एक डायग्राम ने ये दिखाई है और एक डायग्राम आपको तस्वीर वीडियो में नजर आ रही है। तो ये जो रडूला होती है इसके ऊपर दान लगे होते हैं जिसकी वजह से ये एक आरी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, और जब ये रडूला उन पत्तों के ऊपर फेरते हैं तो पत्ते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे ये मोलस्कंस या स्नेल इजीली खा सकते हैं, उनके ऊपर इजीली इंजाइम्स का एक्शन करवाया जा सकता है। और यही बात हमने यहाँ पे की है कि लीव्स के ऊपर मूव करते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सॉरी। देन दूसरे नंबर में हमारे पास जो है हर्बीवोर की टाइप में वो है पॉलीकाइथी। ये सेगमेंटेड बॉडी वाले जानदार होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली कीड़े मकोड़े हम लोग इस कैटेगरी में इन्हें जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इवर्सिबल, इनके अंदर प्रोबोसिस होता है, ठीक है जी, इवर्सिबल प्रोबोसिस। फॉर एग्जांपल ये इनकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होगा जो अंदर ही मौजूद है, लेकिन जब फीडिंग का टाइम आता है ये स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर से बाहर निकल आता है और इसके दोनों तरफ वही बात काइटनस टीथ लगे हुए होते हैं। काइटनस टीथ लगे होने की वजह से ये सेम वही कंडीशन जो रलूला वाली है, पत्तों के ऊपर फेरेंगे उनके छोटे छोटे टुकड़ों में को बाद में ले जाएंगे बॉडी के अंदर और उनकी डाइजेशन करते हैं। तो पॉलीकाइथीस सारे नहीं, कुछ होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है इंसेक्ट। तो आर्थ्रोपॉड से इनका बिलोंग, और तकरीबन आर्थ्रोपॉड के हर एक ग्रुप से आपको हर्बीवोर मिलेगा, कार्निवोर सॉरी हर्बीवोर, डेट्रीवोर, डेट्रिटस वोर, सस्पेंशन फीटर मिलते रहते हैं। तो इंसेक्ट आर्थ्रोपॉड से बिलोंग करते हैं और इंसेक्ट जो हर्बीवोर हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट नहीं, जैसे कि हम लोग मच्छर की बात कर लेते हैं तो वो पैरासाइट है, ठीक है जी, वो हर्बीवोर में नहीं आता, उसके मतलब हमारी अगली वीडियो आएगी। तो इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर वो जानदार जो हर्बीवोर है उनके मैंडिबल, ठीक है, लोअर जा उसके अंदर एडेप्टेशन होती है, ठीक है। मैंडिबल हमें कुछ इस तरह का, इंसेक्ट के सबसे नीचे वाले माउथ का जो जबड़ा होता है हम उसे कहते हैं। तो जो मैंडिबल होते हैं उसके लोअर जा उसके अंदर एडेप्टेशन मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी जो आज की वीडियो है इसका दूसरा टॉपिक, ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा टॉपिक है वो है प्रीडेशन, ठीक है। अब ये जो लफ्ज़ प्रीडेशन है ये एक रिलेशनशिप शो करता है, एक ताल्लुक शो करता है दो चीज़ों के दरमियान, नंबर वन प्रे और नंबर टू प्रीडेटर, ठीक है जी। ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, उसे हम लोग प्रीडेशन कहा देते हैं। अब प्रे क्या जी? इट इज़ द एनिमल हुज अटैक्ड एंड किल्ड बाय प्रीडेटर। ये एक वो जानवर है, प्रे की बात की जा रही है, ये एक ऐसा जानवर जिसके ऊपर अटैक होगा उसे मार दिया जाएगा। कौन अटैक करेगा जी? प्रीडेटर। अब प्रीडेटर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो प्रीडेटर डेट अटैक, जो कि हमला करेगा, किल मार देगा एंड देन ईट, और बाद में खाएगा प्रे को, उस जानवर को हम लोग कहते हैं प्रीडेटर। एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग शेर और हिरन इनके दरमियान ले सकते हैं कि शेर हिरन पे अटैक करेगा उसे मार देगा, तो शेर प्रीडेटर है, हिरन प्रे है। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे है कि सब बाकी जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, चाहे वो सस्पेंशन है, डिस्पोजिट फीडर है, फ्लूइड फीडर की हमारी अगली वीडियो आने वाली वो है, कार्निवोर है, हर्बीवोर है, सबसे ज्यादा जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है न्यूट्रिशन की वो प्रीडेशन है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड या इज, तो वे प्रीडेशन है। अच्छा जी, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी टीथ अडेप्टेशन की, तो इनके अंदर भी टीथ में मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। इनके टीथ की मॉडिफिकेशन क्या है जी? इनके टीथ मॉडिफाइड होते हैं मसल टेयरिंग के लिए और बोन ब्रेकेज के लिए, ठीक है जी। ये दो अडेप्टेशन इनके दांतों में होंगी तभी ये कार्निवोर या प्रीडेटर अच्छे बन सकते हैं। तो वो अडेप्टेशन फिर वहां पर डायग्राम पे आते हैं जी कि इनके दांत क्या होते हैं, पॉइंटेड है, जिसकी वजह से ये आसानी से धसाए जा सकते हैं किसी भी जानदार के जिस्म में और चीर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इनके जो जबड़े होते हैं वो इस तरह अडेप्टेड होते हैं कि ये मांस के साथ साथ हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं। तो इसलिए इनकी टीथ की जो अडेप्टेशन है इट इज़ अडेप्टेड फॉर मसल टेयरिंग, ठीक है जी, एंड बोन ब्रेकेज, ये हड्डियों को तोड़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं। अच्छा जी, अब प्रीडेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग आ सकती है या कहा जा सकता है, कोई से दो बताएं। तो प्रीडेशन की दो चार टाइप्स होती हैं, मोटाइल स्टार्कर,
लर्किंग प्रीडेटर, सिंसाइल ऑपरचुनर और ग्रेजर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मोटाइल स्टाल्कर। ठीक है, मोटाइल नाम से जाहिर है ये हिलते हैं, हरकत कर सकते हैं। तो जो प्रीडेशन में मोटाइल स्टाल्कर होते हैं, इनकी ये खासियत है कि ये एक्टिवली फॉलो करते हैं। ठीक है, ये पीछा करते हैं, पीछे भागते हैं, किसके जी, अपने प्रे के, उसके बाद उसे किल करते हैं, फिर उसे खाते हैं। तो ऐसे प्रीडेटर जो अपने शिकार के पीछे भागते हैं, उन्हें मार के खाते हैं, ऐसे प्रीडेटर को हम लोग कहते हैं मोटाइल स्टाल्कर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इनका एक दूसरा नाम भी होता है जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इट इज कॉल्ड ट्रू प्रीडेटर। इन्हें आप लोग ट्रू प्रीडेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रीडेशन की पूरी डेफिनेशन है वो इन्हीं पे पूरी तरह से एप्लीकेबल है, वैलिड है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या ली जा सकती है, तो एग्जांपल में जितने भी कार्निवोरस वर्टिब्रेट है वो ले लें। ठीक है जी, शेर, चीता, हाइना, टाइगर, ठीक है, ये आ सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट इनवर्टिब्रेट में आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए ऐसे देख रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दूसरे नंबर पे लर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इनमें और इनमें सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, ये पीछे भागते हैं, ये पीछे भागेंगे नहीं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या थी, द टाइप ऑफ प्रीडेटर विच सिट वेट फॉर देयर प्रे। ये बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जी आ जा, कहाँ पे जी, किसका, अपने प्रे का, इन अटैक जोन। ये तब तक बैठे वेट करते हैं कि इनका शिकार उस एरिया में आ जाए जहाँ तक इनकी अटैक रेंज है। जैसे ही इनका शिकार जोन ऑफ अटैक के अंदर आता है, ये उसके ऊपर झपटते हैं, उसे वहीं पे हिलने का मौका नहीं मिलता, उसे मार देते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो प्रीडेटर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं लर्किंग प्रीडेटर। और इनके अंदर मेन बात याद रखनी है, ये अपने प्रे को फॉलो नहीं करते, ये उसके पीछे भागते नहीं हैं। अच्छा जी, अब जैसे ही प्रे क्या होता है, अटैक जोन के अंदर आता है, ये उसे अटैक करते हैं और मार देते हैं और फिर खा लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या जी, तो इसकी क्लासिकल एग्जांपल वो है प्रेइंग मेंटस। ठीक है, अक्सर ये एमसीक्यूज में आती रहती है प्रेइंग मेंटस के लिए ऐसे, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं जी ताकि हमें याद रहे। देन उसके बाद तीसरे नंबर पर है सिसाइल अपॉर्चुनर। सिसाइल नाम से ही हमें क्लियर है कि ये मूव नहीं कर सकते, ये एक जगह पे बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो फिर लिहाजा ये मूव नहीं करते, बल्कि इनकी बॉडी सरफेस में मॉडिफिकेशन हुई होती है। जैसा कि हाइड्रा नहीं, उसके हमें स्टेंटिकल के ऊपर पता है स्टिंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तो उसी तरह जो सिसाइल अपॉर्चुनिटी है, इनकी बॉडी में अडेप्टेशन होती है और ये मूव नहीं करते बल्कि पड़े रहते हैं पानी में या जहां पर मौजूद है। जैसे ही कोई प्रे वहां से वॉन्डरिंग ऑफ होता हुआ गुजरता हुआ इनकी बॉडी के साथ टच करता है, तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो इनकी बॉडी में है वो बाहर आते हैं, उस जानवर की बॉडी में धस जाते हैं, और अगर पैरालाइज करना है या वहीं पर फौरन किल कर देना है या पकड़ के वहीं पर जकड़ना है, जो भी अडेप्टेशन इन सिसाइल में होगी उस लिहाज से ये अपने शिकार को मारेंगे और फिर उन्हें खा लेंगे। और आखिर पे आती है जी हमारे पास, वो है ग्रेजर। तो ग्रेजर नाम से जा रहा है, ये नॉर्मली घास वगैरह पे खुराक लेते हैं, लेकिन ये अब उन्हें खा रहे होते हैं तो सबस्ट्रेटम को, तो अगर इन घास में छोटे मोटे जानदार आ जाएं, कीड़े मकोड़े आ जाएं, तो ये उन्हें भी अपने साथ मुंह में ले जाते हैं और उन्हें चबा के खा जाते हैं। तो इसलिए इन्हें ग्रेजर ज़्यादातर कहा जाता है, क्योंकि इनकी फूड का ज़्यादातर हिस्सा घास होता है, लेकिन कुछ हिस्सों में स्मॉल पार्ट या तकरीबन आप लोग कह लेंगे 0.1% आउट ऑफ 100 छोटे छोटे जानदार कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट कह लें या चिड़िया वगैरह भी कभी कभार ग्रेजर की फूड का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो का पूरा टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हमने हर्बीवोर, उनके टीथ की अडेप्टेशन, उनकी डिफरेंट टाइप्स, प्रेडेशन, उनकी डिफरेंट टाइप्स और उनकी टीथ की अडेप्टेशन पढ़ी। तो इस वीडियो का मतलब